भोपाल में हुआ एक दिल दहलाने वाला हादसा, एक औरत पर जानलेवा हमला। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट असद अहमद खान की मां की जान खतरे में है। अब बात करते हैं हमारे संवाददाता से, जो इस वक्त असद अहमद खान के घर के बाहर है। अब तक कोई डिटेल नहीं आई है, बट सुना है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये बात शिरीन को पता चल गई तो राशिद को भी पता चल जाएगी, और फिर राशिद मियां वो तो फौरन से दिलशाद के पास पहुंच जाएंगे। ओहो भाभी, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? लगाइए ना, हमें सीरियल देखना है। अरे मुआ, सीरियल भी कोई देखने की चीज है शिरीन? जब देखो रोना धोना, लड़ाई झगड़ा। अरे इसकी वजह से तो घरों में लोग आपस में बात भी नहीं करते, जब देखो टीवी के आगे बैठे रहते। पर भाभी, आदत भी तो आप ही ने लगाई है हमारी सीरियल देखने की। हाँ, इतना देखा है तभी तो कह रही हूँ खराब चीज है शिरीन। देखो ना, हाय अल्लाह, मेरा भी ना देख देख के सर दुख गया। भाभी, शिरीन को दवा लेके आ जा, सर फटा जा रहा है मेरा। अभी लाते हैं। की वजह से तो किसी को भी दिलशाद के बारे में पता नहीं चलेगा। अम्मी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, उनके साथ ऐसा हुआ। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं नजमा, वो लोग मुझे मारने आए थे। तो वो गोली अम्मी के दिल के करीब से नहीं जाती ना। गोली अम्मी अम्मी के दिल में नहीं लगी। इंशाल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बचपन में अम्मी क्या कहती थी, इनके हौसले बुलंद होते, उनके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती। हमने जब से आंखें खोली, हमने अम्मी को सिर्फ लड़ते हुए देखा, अपने बच्चों के लिए, अपनी खुददारी के लिए। वो हमेशा जीती है। जिंदगी से जीती हूं तुम मौत से हार नहीं मानेंगे। हमें अम्मी की ताकत बनना है, और तुम ऐसे रोती रहोगी तो अम्मी को हमें देखकर हिम्मत कैसे मिलेगी? तो हमें बहुत असर होता है।
अगर मुझे पता चला कि वो तुम्हारे घर पर है तो बाखुदा जो होगा वो बहुत बुरा होगा। असद एक मिनट बेटा। मरियम, मिस्टर खान। वो चली गई है, नहीं है वो इस घर में। मरियम, मिस्टर खान, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूं दैट आई एम रियली सॉरी। बैठिए आप भी। तो आज की मीटिंग का एजेंडा एक महापुरुष सेंट का बर्थडे सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करनी है हमें। भाईजान बात क्या है, आपको बहुत दिनों से किसी लड़की ने फोन नहीं किया जो आप सीधा सेंट फकीर बनने पर तुल पड़े। अजी सेंट बने हमारे दुश्मन। वैसे भी नुजरत आप तो जानती हैं कि हमारा बर्थडे भी काफी दूर है, हम तो सेंट वैलेंटाइंस डे की बात कर रहे थे, हमें वो सेलिब्रेट करना है। वाओ, वैलेंटाइंस डे, हाय, हाउ रोमांटिक। तुम तो जानती हो नुसरत ये दिन हमारे लिए कितना बिजी होता है। अब दुनिया की सारी लड़की मेरी वैलेंटाइन बनना चाहती है तो मैं क्या करूं यार। आयान आपके लिए कितना मुश्किल होगा ना ये डिसाइड करना कि आपकी वैलेंटाइन कौन बनेगी। जी नहीं, हमने तो फैसला कर लिया मेरा बेगम, और मेरा फैसला आप। हम? अरे आप ही तो बताएंगी कि हमारी वैलेंटाइन कौन बनेगी। आखिर सबसे ज्यादा करीब से तो आप ही मैं जानती हूँ मेरा बेगम। क्यों है ना पार्टनर? मैं उस राज के बारे में सोच रही थी और उस हादसे के बारे में भी जिसका जिक्र आपने किया था, आप खुद ही आकर देख लीजिए। पता नहीं दिलशाद के हाथ में क्या लग गया है जो वो मुझे दिखाना चाहती है, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। राशिद अभी थोड़ी देर पहले तो आप आए हैं, अब फिर कहाँ जा रहे हैं? वो शीन, वो एक जरूरी मीटिंग है, वहां जा रहा हूँ। अरे हाँ, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मेरी पैकिंग कर दी। वो तो थोड़ी देर में आपका सामान लग जाएगा। अच्छा राशिद, एक बात करनी थी आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ राशिद, मैं जानती हूँ आप ये घर में नहीं रहना चाहते हैं, भाभी से आपका गुस्सा जायज भी था,
उसके बावजूद आपने इस घर में रहने का फैसला लिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने ये सब मेरे लिए किया है ना? पता नहीं क्यों जब भी आप ये घर छोड़ के जाने की बात करते हैं, मेरा दिल बैठ सा जाता है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे मुझे और बच्चों को छोड़कर आप अपने पहले घर चले जाएंगे, दिलशाद के पास। जबकि जानती हूं कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, फिर भी एक डर लगा रहता है दिल में। दूसरी हूं ना, डरती हूं कि पहली वाली से हार न जाऊं। शिरीन तुम राशिद मियां, आपकी दिल्ली जाने की तैयारी हो गई? जी, कल सुबह की फ्लाइट है, अभी एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, जल्दी आता हूं। एक मिनट रुकिए, हुमेरा के अब्बू कह रहे थे कि आपको आज ही दिल्ली जाना होगा। ये आपकी टिकट। आज मतलब भाभी, मैंने अभी तक पैकिंग भी नहीं की, आज कैसे? शिरीन, राशिद मियां का सामान पैक कर दो, आपका आज ही दिल्ली पहुंचना निहायत जरूरी है। 2 घंटे के बाद आपकी फ्लाइट है, ठीक है? अब मैं दिलशाद से कैसे मिल पाऊंगा? डॉक्टर प्लीज मुझे साफ साफ बताइए, डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। अब मैं ठीक हो जाएंगी ना? मिस्टर खान, आप अपने रिश्तेदारों को खबर कर दीजिए, हमें नहीं लगता कि आपकी अम्मी, हमारे पास कुछ चंद घंटे हैं। निखत तो अपने दोस्तों के साथ अजमेर शरीफ गई है, वरना जाने से पहले उससे भी मुलाकात हो जाती। अयान, मेरे पीछे घर का ध्यान रखना। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है? अरे राशिद मियां, आप कोई पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं क्या? और दिल्ली तो जा रहे हैं, जाने से पहले वापस आ जाएं, इतनी पास है दिल्ली। अब चलिए राशिद मियां, देर हो रही है। आता हूं शिरीन। जरूर मिलना चाहेंगे इससे पहले।
फैसला आपका है। अब्बू आप क्या सोच रहे हैं? हमें चलना चाहिए। चले जाना चाहिए? अरे क्यों जाएंगे? उनसे हमारा रिश्ता ही क्या है जो चले जाएंगे? सवाल मैंने अपने अब्बू से पूछा है, जवाब भी मैं नहीं से दूंगी। मैंने कह दिया ना कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये उनका तो हर बार का नाटक है। कभी असद हॉस्पिटल में है, अब दिलशाद। ये सब उनकी चालें हैं राशिद मियां को अपने पास खींचने की। कौन मरने का नाटक कर रहा है? सोच समझ के बात करो बड़ी बी। लेकिन हमें कहां पता है कि जो असद कह रहा है वाकई बात वो है? भला ये क्या बात हुई, दिलशाद को गोली लग गई। राशिद मियां आप ये सब भूल जाइए और आप दिल्ली जाइए, आपकी फ्लाइट का वक्त हो रहा है।